सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप। जो आप देख रहे हो इस समय टेक एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप भी अपने मोबाइल में लॉक चेंज कर करके थक गए हो, तो मैं आप सबके लिए एक ऐसा कमाल का स्क्रीन लॉक लग रहा हूँ, जिसके थ्रू अगर आप लगा देते हो तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर नेट पे एक नया उसमें लॉक होता रहेगा। ये नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा मतलब नया पासवर्ड आ गया है, ये आपको पता भी चलेगा इसमें कौन सा एक नया पासवर्ड आया है, और ये हर मिनट चेंज होता रहेगा। यानी कि आप मान लीजिए कि आपको जैसा एक पता है कि यहाँ पे टाइम कभी नहीं रुकता है, तो गाइस यहीं आपका लॉक रहेगा। यानी कि 10:25 हो रहा है या फिर 12:11, तो यहाँ पे जब जब मिनट चेंज होता रहेगा टाइम का, वही आपके मोबाइल का पासवर्ड बन जाएगा। यानी कि आपका फ्रेंड भी कभी देख लेता है ये पासवर्ड डाला है, तो जो पिन करने के लिए जाएगा, पर यहाँ पे एक मिनट जैसे भी देखो वो पासवर्ड जो है कि खत्म हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एक नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस अगर आप भी अपने मोबाइल में एक जो एक ऐसा कुछ कमाल का स्मार्ट लॉक लगाना चाहते हो, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया, वहाँ से सबसे पहले टाइम लॉक है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉइड मोबाइल पे ले चलता हूँ। तो गाइस इस ऐप को आप लोग जैसे इंस्टॉल कर लोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्ले स्टोर में भी ये ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो मैं आप सबको जो है आसानी से पूरा इसका डिटेल देता हूँ। यहाँ पे आपको इनेबल लॉक का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये कि ऐप एक्टिवेट हो गया। यानी कि आप जब भी आप अपने लॉक करेंगे अपने मोबाइल को, तो यहाँ पे आपको यही लॉक देखने को मिलेगा, जो कि टाइम आपका होगा पासवर्ड। यानी कि यहाँ पे बज रहा है 1:16, तो यही आपका पासवर्ड होगा। 17 होगा तो अलग पासवर्ड होगा, यानी कि 1:17 आपका पासवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिव्यू का ऑप्शन देखेगा, तो मैं आप सबको रिव्यू दे देता हूँ कैसे ये आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे 1:16 टोटल हो रहा है, यहाँ पे आप लोग इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको 1:16 यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। यहाँ पे जैसे लिखोगे ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसके स्लाइडिंग टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो स्लाइडिंग टेक्स्ट में लिखा होता है वो आप यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह दे सकते हो, या फिर यहाँ पे आप चाहो तो चेंज वॉलपेपर, यानी जो वॉलपेपर है इसमें आपका आपको सर आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको चेंज वॉलपेपर फ्रॉम गैलरी से आप गैलरी से भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कैमरा से ऑटोमेटिक जो है कि इससे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चेंज रिकवर पासवर्ड, यानी कि अगर आपका बाई चांस आपको टाइम नहीं पता है, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको टाइम नहीं पता, बट यहाँ पे दिया है चेंज रिकवर पासवर्ड, यानी कि आप पास कोड डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हो, यानी कि कैसा आपको स्टाइल चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉक का कैसा स्टाइल हो, स्लाइडर कैसा, इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे स्लाइडर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से आप लोग इसमें थीम आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेगा, इसमें से आप जो भी थीम लगाना चाहते हो। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका पैड भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग कोड डालेंगे, यहाँ पे आपको थीम इसमें से इस प्रकार से काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आप जो चाहो इसमें क्लिक करके आसानी से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे शो माय इन्फो, यहाँ पे अपना जो है कि डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे आपको हाइड ऐप आइकन, यानी कि अपना ऐप आइकन इसमें हाइड कर सकते हो, यानी कि जो आपका ऐप का आइकन होता है, जैसे आप लोग देख सकते हो ये सब ऐप्स हैं इनका आइकन है, इस ऐप आइकन को आप आसानी से हाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है फेक आइकन्स, यानी कि आप इसमें से कोई भी एक फेक आइकन लगा सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइकन्स दिखे, यानी कि आप अलार्म वाला आइकन लगा सकते हो, कैलेंडर आइकन लगा सकते हो, क्लॉक वाला आइकन, यानी कि काफ़ी सारे आपको आइकन दिखने को मिलेंगे। आप आइकन भी लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे तो गाइज आप इस तरीके से अपना जो है कि पासवर्ड एक्टिवेट कर सकते हो। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल में एक स्मार्ट लॉक लगा सकते हो, जो कि हर एक मिनट पर ऑटो जनरेट होता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ठोक दो लाइक, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद सिंपल सी बात है, बेल आइकन को प्रेस करना।